आज़ाद कश्मीर भर की तरह बाग में भी मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है। बाग शहर को मिलाने वाली शाहराह को मुख्तलिफ मकामात से रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि अमन अमान की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर भर की तरह बाग में भी मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है। बाग शहर को मिलाने वाली शाहराह को मुख्तलिफ मकामात से रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि अमन अमान की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। सूरत हाल जानते हैं हसाम खुर्शीद से। जी हसाम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर की अगर बाग की बात की जाए तो बाग में भी जो है वो रात 12 बजे से गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए शटर डाउन की कॉल दे दी गई थी। एक्शन कमेटी की कॉल पर जो है वो पूरे आजाद कश्मीर में जो आवाम है वो सरापा एहतजाज। अगर कल की बात की जाए तो आजाद कश्मीर के जो जिला है डडियाल के मुकाम पे आवाम और पुलिस के दरमियान शदीद जो है तसादुम हुआ, और आज जो है वो शटर डाउन के बाद भी जो मुजफ्फराबाद है दारुल हुकूमत वहां पर भी जो है वो तशद्दुद हुआ है और पुलिस की जानिब से शेलिंग और आंसू गैस की जो है वो की गई है और साथ में आवाम की तरफ से पुलिस पर पथराव भी किया गया है। अगर अंजुमन ताजरान की बात की जाए तो उन्होंने भी जो है एक्शन कमेटी की इस कॉल को मुकम्मल ऑन किया है और हुकूमत को वक्त दिया गया, अगर हुकूमत इस पर जो है अगर नोटिस नहीं ले दी तो गैर मुअय्यन मुद्दत तक जो है वो जो ट्रांसपोर्टर है उनसे मुशावरत करके जो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए पहिया जाम भी किया जाएगा, जबकि जो शटर डाउन है उसे गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए उसकी कॉल दी गई। शुक्रिया हसाम, आपने आगाह किया।